नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान स्पेस सेक्टर में अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। चाइना का नेक्स्ट मिशन जो 2024 में लॉन्च होने वाला है, चांगई 6 मिशन, ये पाकिस्तान का पेलोड भी मून पर साथ लेकर जाएगा। यहाँ पर आप NDTV का आर्टिकल देखिए। चाइनाज 2024 लूनर मिशन चांगई 6 टू कैरी पेलोड फ्रॉम पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान का पेलोड मून पर साथ लेकर जाएगा। पाकिस्तान का सेटेलाइट क्यूबसेट है। क्यूबसेट एक छोटा सेटेलाइट है। पाकिस्तान का यह सेटेलाइट कुछ स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारत ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लैंड कर दिया मून पर, उसका इम्पैक्ट पड़ा था पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में उस पूरे इवेंट को फ्रंट पेज कवरेज मिली थी। पाकिस्तान मून के साउथ पोल पर चाइना की हेल्प लेकर पहुंचने की सोच रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है सुपारको। सुपारको का फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमीशन। ये 1961 में सेटअप हुआ था। जो इंडिया का इसरो है उससे 8 साल आगे था सुपारको। इसरो सेटअप हुआ था 1969 में। यूएस के सपोर्ट से पाकिस्तान ने जून 1962 में रेहबर 1 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया। तब ये एशिया का थर्ड कंट्री बन गया था। पहले दो कंट्री थे जापान और इजराइल, और तीसरा पाकिस्तान बन गया हिस्टोरी। उस टाइम तो चाइना ने भी कोई सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च नहीं किया था, और भारत ने भी नहीं किया था। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया से आगे था। सुपारको के चेयरमैन थे अब्दुल सलाम। ये एशिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से सुपारको बिखर के रह गया। अब्दुल सलाम अहमदी थे, इसलिए इसे पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि अहमदी कम्युनिटी को पाकिस्तान के लोग मुस्लिम नहीं मानते थे। तो ऐसे टॉप साइंटिस्ट को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। फिर आर्मी ने सुपारको को टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट सुपारको के चेयरमैन की, तो आपको मैनेजर जनरल लिखा हुआ दिखेगा। ये आर्मी से या एयरफोर्स से आए हैं, तो आर्मी ऑफिसर की नॉलेज स्पेस सेक्टर में तो होती नहीं है। वो अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन रॉकेट्स की फील्ड में आ जाएंगे तो क्या होगा? उस फील्ड में कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। इनको कोई आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पर क्या करना है। इन्हें कोई डीप लेवल की नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आर्मी से कोई आके स्पेस सेक्टर का चेयरमैन बन जाता है, तो वो आपके देश को कौन सी दिशा में लाके खड़ा कर देगा? इस वजह से आज के टाइम सुपारको बहुत पीछे रह गया है, और इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, इसलिए इसरो आगे निकल गया है। तो पाकिस्तान में अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ना होता, तो आज जो पाकिस्तान का हाल है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये ना होता। अब चाइना का चांगई 6 मिशन जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है, ये बहुत ही खास रहेगा चाइना के लिए। उसमें चाइना का प्लान ये है कि ये मून के दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है, वहां जाकर पत्थर के सैंपल इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजना है। और बताया जा रहा है कि चांगई 6 मिशन को साउथ पोल के एटकेन बेसिन पर लैंड कराया जाएगा। तो ये मिशन बहुत ही खास रहने वाला है। और ये चांगई 6 और भी कई देश के पेलोड, जैसे कि फ्रांस का कोई इंस्ट्रूमेंट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इक्विपमेंट, इटली का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, पाकिस्तान का क्यूबेक सेट, ये अपने पूरे मिशन पे ऐड कर रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आ जाएगा कि इनका भी पेलोड मून पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि कितने कंट्रीज है जो मून पर सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। तो चाइना का ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, और पाकिस्तान में सैटेलाइट ये अगर मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देती है या मून के करीब भी आ जाती है, तो पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में लक्समबर्ग, साउथ कोरिया, इटली भी दिखेंगे। तो ये यूएस या तो चाइना के रॉकेट पर अपना पेलोड मून पर पहुंचा चुके हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पर है। इन्होंने खुद कोई सैटेलाइट्स नहीं पहुंचाए हैं मून पर। तो 2024 में हो सकता है कि चाइना भी पाकिस्तान का नाम यहाँ पर ऐड कर दे। अब देखना होगा नेक्स्ट ईयर कि ये मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।